Hello everybody, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to do a new series. Iska naam hai Rugby's Journal by Kerry Smith. So maine thoda mahina pehle ek series start kari jiska naam tha This is Not a Book. Uske maine do parts kiye. Ab main naya series start kar Rugby's Journal. Also isme main spoiler aisa jo bookmarks hai mera ये बनाना भी सिखाऊंगी मिस्टर बोनस सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो लेट्स गो सो फर्स्ट मैं अपने नाम और वो सब फिल करूंगी सो इसमें है राइट योर नेम एलिजिबली एंड राइट योर नेम टाइनी लेटर्स राइट योर नेम बैकवर्ड राइट योर नेम फेंटली सो ये सब लिख लिया एंड मैंने एड्रेस और फ़ोन नंबर बस नहीं दिखाया या सो द नेक्स्ट पेज इज ऐड योर ओन पेज नंबर सो मैंने किया कुछ 200 समथिंग आया सो ये मैंने दिखाया डोंट वरी मैंने पूरा नहीं दिखाया नहीं देखना पूरा फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ कलर दिस एंटायर पेज जो मैंने ठीक से फिल में किया क्योंकि मैं भूल गई मुझे मैं गई करना रिकॉर्ड मैंने बटन में प्रेस किया मैंने रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ऑलरेडी कर दिया बट बाकी का है तो देख लो ऑलमोस्ट हो ही गया था इस पार्ट में फिर मुझे याद आ रहा है हाँ मुझे करना है सो लास्ट कलर पर्पल सो नाउ दिस इज डन मैंने जैसे कि बोला था कि मैं बुक मार्क्स बना दिखाऊंगी तो बुक मार्क्स सो मैंने ऑलरेडी रेवन क्लॉक ग्रिफिंडोर एंड हफलपफ का बना लिया है सो अब मैं सिर्फ स्लिदरिन का बनाऊंगी सो उसके लिए तुम लोग को टू कलर्स लेने हैं दोनों का दो स्ट्रिप्स ऐसे स्टिक करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ देखो पॉज करके उतना डिफिकल्ट नहीं है स्लिदरिन एक्चुअली मेरा हाउस है कि मैं अपने स्कूल में भी ग्रीन हाउस में हूँ मैंने जितने भी सॉर्टिंग हैट के क्विजेज लिए सब मुझे सब मेज ज़्यादा मुझे हफलपफ बोलते हैं बट फेवरेट मेरा स्लिदरिन ही है स्लिदरिन के लिए ग्रीन एंड वाइट हफलपफ के लिए येलो एंड ब्लैक ग्रिफिंडोर के लिए रेड एंड येलो एंड रेवनक्लॉ के लिए रेड एंड ब्राउन सॉरी ब्लू एंड ब्राउन अगर मिले तो नहीं तो ब्लू एंड वाइट भी चलता है सो बीच में ऐसे ब्लू लगाना नहीं भी लगा सकते योर विश तो अभी मेरा जितना मुझे साइज चाहिए था उतना हो गया बस कट कर लेना है फिर ये हाउस बैजेस जो है ये लगाना है तो लगा सकते हैं अभी ये मैं इसका टेम्पलेट का वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी यू कैन यूज इट सो अब मेरे सारे बुकमार्क्स हो गए एंड नाउ टू राइट दिस जर्नल सो अब सीव दिस पेज ये थोड़ा डिफिकल्ट था थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं लिटरली पेपर पे सीव कर रही थी क्लोथ थोड़ा स्ट्रांग होता है तो उससे जो थ्रेड होता है वो उतना आसानी से निकलता नहीं है रुकता है वहाँ पर बट इसमें तो बार बार अगर मैं टाइट कर रही हूँ तो निकल जा रहा है तो ये थोड़ा हार्ड था अब यहाँ पर मैं एक्चुअली नॉट बांध रही थ्रेड का इसलिए कुछ हो नहीं रहा रियली हाँ अब हो गया पहले मैंने ए से स्टार्ट किया बट ए थोड़ा इनर साइड में था तो इसलिए मुझसे हो नहीं रहा था बार बार कट जा रहा था फट जा रहा था और से बाद में मैंने ए को किया भी नहीं एंड अब मैं हार्ट से स्टार्ट कर दिया क्योंकि हार्ट रेड होता है तो रेड वहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑल्सो वो आउटर साइड में था एंड दिस वॉज रियली स्लो सी देखा सो जस्ट मैंने इसमें क्रॉस स्टिच यूज़ किया एंड अभी मैंने पूरा नहीं दिखाया बट मैंने किया पूरा ए इसको मैंने रेनबो में किया था बाय द वे पर्पल नहीं कर पाई मैं क्योंकि ए मुझसे हुआ नहीं फिटा सो मैंने अपना सीविंग कंप्लीट कर लिया मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया
ओके सो पहला है ये कलर दिस एंटायर पेज, ये बहुत सुंदर लग रहा है, वाह कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा रफ हो गया पेंटिंग की वजह से बट दैट्स ओके, ये पेज बहुत पसंद है, कितना अच्छा से ब्लेंड हुआ है कलर्स, आई लव दिस पेज। फिर ये है दूसरा वाला जो मैंने लिटरली ट्राई किया था पेपर पे सेव करना विच इज नॉट अ गुड आइडिया एंड ये हुआ, कोई बात नहीं, रेक दिस जर्नल, आई कैन डू एनीथिंग टू इट, रेक दिस जर्नल, सो आई रेक्ट इट। सो ये है, मैं इसको बाद में थोड़ा यहाँ पे डेकोरेशन करके ठीक कर दूंगी या मैं इसको ऐसे चिपका दूंगी नहीं तो फिर ये थोड़ा खराब है एक्चुअली, मैंने इसमें क्रॉस नहीं चेन स्टिच बोलते हैं वो ट्राई किया था, एच ए तक तो ठीक था, हार्ट भी बहुत बेकार है बट एस में पता नहीं क्या हुआ, फिर आई में भी ठीक था फिर इसके बाद ए में मैंने पहले ट्राई किया था तो फिर वो खराब हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करके इसको ठीक कर दूंगी, डोंट वरी। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट टू एवरीवन यू नो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।